अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी फुल घेर वाला शरारा और इसकी कटिंग। आज मैं आपको छोटे बड़े दो शरारे की कटिंग बताती हूँ। देखिए, पहले मैं आपको इसको बताऊंगी कि मैं ये किस तरीके से निशान लगाया है और इसका कपड़ा कैसे बिछाया है, मैं आपको वो भी बताऊंगी। 2 इंच मैंने ये ऊपर रखा है, इसमें बेल्ट लगाऊंगी 2 इंच की, और यहाँ पर मैंने 13 इंच पर निशान लगाया इसके आसन का। ये इसकी लेंथ मैंने 37 इंच रखी है, और हमने जो आसन का निशान लगाया है, यहाँ पर हम इस तरीके से 2 इंच का निशान लगा रहे हैं सीधा, उसको इस तरीके से हम इसका गोलाई कर देंगे। और 10 इंच की हम इसकी बेल्ट रख रहे हैं, और इसकी लेंथ जितनी है हम इस तरीके से इसकी लेंथ को बराबर करेंगे। मैं इसके कपड़ा बिछाकर भी आपको समझाऊंगी। अभी देखिए, इस तरीके से हम इसकी लेंथ को बराबर करनी है। इस तरीके से हमने इसकी पूरी लेंथ गोलाई में, ये मैंने 4 तह में कपड़ा फोल्ड किया है, अब 10 इंच इसकी बेल्ट है। बेल्ट आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। ये मैंने 37 इंच का रखा है, तो इसका 13 इंच पे आसन रखा है मैंने, तो 2 इंच मैंने ऊपर की तरफ निकाल दिया है बेल्ट के लिए, और 13 इंच पे आसन का निशान लगाया है। पूरी लेंथ इसकी हमारी 37 इंच है। अब मैं आपको कपड़ा बिछा कर आपको दिखाती हूँ किस तरीके से मैं आपको 35 इंच की लंबाई का प्लाजो कट करके बताऊँगी। देखिए, इस तरीके से हमने इसको कपड़े को डबल पकड़ा है, और इसको हम फोल्ड करेंगे तिकोना। ये फुल घेर वाला प्लाजो मैं आपको बताऊँगी, शरारा काट रही हूँ मैं। देखिए, इस तरीके से हमने ये और भी बिछा लिया है तिकोना। इसमें हमारा बिल्कुल भी जोड़ नहीं आएगा नीचे की तरफ। जो लोग प्लाजो काटते हैं घेर वाला, तो उसमें जोड़ आ जाता है नीचे, इसमें बिल्कुल भी घेर नहीं आएगा इस शरारे में। इस तरीके से अगर आप काटोगे तो ये हमने इस तरीके से बराबर इसको फोल्ड किया है कपड़े को। यहाँ हम बेल्ट अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं करीब 9 इंच रख रही हूँ इसका। और 2 इंच के ऊपर हम इसमें बेल्ट लगाएंगे लास्ट की, यानी कि तो उसका कपड़ा हमें छोड़ना पड़ता है ऊपर। और जैसे कि हम 35 से 36 इंच इसकी लंबाई ले रहे हैं, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। को देखिए, अब हम इस तरीके से इसकी गोलाई करेंगे। यहाँ से हम इसके बराबर बराबर इस तरीके से निशान लगाने हैं हमें, 2 इंच ऊपर की तरफ निकाल के। जितना निशान हमारा साइड में, इतने ही निशान हम आगे की तरफ लगा रहे हैं। बिल्कुल बराबर इसी तरीके से हमें निशान लगाने हैं, और चौक के निशान पर ही हम इसको कट कर देंगे। इस तरीके से हमने नीचे गोलाई का निशान लगाया, यहाँ पर हम आसन का निशान लगाएंगे। 2 इंच हमने ऊपर की तरफ निकाला, और 9 इंच पे एक टिक लगा दिया। इसका आसन हम 9 इंच पे रखेंगे। अब ऊपर से हमने इसकी, जैसे कि बेल्ट हमारी 9 इंच है, तो हम नीचे फिर एक और निशान 9 इंच का लगाएंगे इस तरीके से, और फिर हम इसको सीधा इस तरीके से निशान लगा लेंगे। फिर यहाँ पर हम गोलाई कर देंगे। अब ये बाहर वाले निशान पर ही हम इसको कट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने 2 साइज़ के प्लाजो आपको कट करके बताए हैं। दोनों प्लाजो की इस तरीके से कटिंग हुई है, और आपको मैं ये सिलने का तरीका भी बता रही हूँ, और बहुत इजी तरीके से ये सिलकर तैयार हो जाएगा। अगर आपको साइज़ में छोटा बड़ा प्लाजो की, या घेर वाले सरारे की, या चुन वाले सरारे की कटिंग पूछनी है, तो आप कमेंट में बताना अपना नाप। आप जिस साइज़ का कटवाना चाह रहे हो, मैं उसी साइज़ का आपको कटिंग करके दिखा दूंगी। ये देखिए, हम इस तरीके से दोनों सरारे उठाए हैं हमने दोनों साइड के, और यहाँ आसन पे हम यहाँ से सिलाई लगाएंगे। ये हम आसन की सिलाई लगा रहे हैं, इसको फोल्ड करके मैं सिलाई लगा रही हूँ, ताकि इसमें धागे ना निकलें। बहुत ही इजी तरीका मैं आपको इसका बताऊंगी सिलकर। अगर आप इस तरीके से फोल्ड करके सिलाई लगाओगे, तो आपको ओवरलॉक की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। देखिए, अब इसी तरीके से हम साइड में पकड़ेंगे दूसरी साइड। इसी तरीके से हम दोनों
तरफ से आसन को ज्वाइन करेंगे। इसको भी हम फोल्ड करके ही सिलाई लगानी है हमें। बहुत ही इजी तरीके से सिल के तैयार हो जाता है ये। अस्तर वाला मैं बना रही हूँ और मैं आपको इसमें बताऊँगी कि अस्तर किस तरीके से ज्वाइंट करते हैं। देखिए अब इसको हम पलट कर सिलाई लगा रहे हैं ऊपर से। दोनों में हम इसी तरीके से सिलाई लगा लेंगे पलट के। देखिए दोनों में हमारी सिलाई ये लग चुकी हैं ऊपर से। अब इसकी हम फिटिंग लगाएंगे। फिटिंग हम बीच से शुरुआत करते हैं फिटिंग की। आसन से हमने फिटिंग की शुरुआत की है। अब हम इसी तरीके से दोनों तरफ फिटिंग लगानी है हमें। पहले हमने ये जार जट का तैयार किया है और सेम इसी तरीके से हम अंदर का भी तैयार कर लेंगे। अब हम यहाँ से बीच से ही दूसरी तरफ की सिलाई शुरू कर रहे हैं। इसी तरीके से हमें दूसरी तरफ भी सिलाई लगा ली है। अब कुछ सेम हमने अंदर का भी इसी तरीके से तैयार किया है। दोनों तैयार होने के बाद अब इसको हम जॉइंट कैसे करना है अस्तर को, इसको हम पहले सीधा कर लेंगे। और अस्तर को भी सीधा करने के बाद अस्तर को हम इसके अंदर डालेंगे इस तरीके से। एक मोहरी के अंदर एक डालनी है, दूसरी के अंदर दूसरी डालकर इस तरीके से ऊपर से बेल्ट के पास हमें इसमें गोल गोल सिलाई लगानी है। ये हमने इसके अंदर फोल्ड कर दिया है। देखिए अब यहाँ पर हमें सिलाई लगानी है। अस्तर भी हमने इसका पकड़ लिया है और इसकी जॉर्जेट भी पकड़ी है और इसके किनारे पर हम इस तरीके से सिलाई घुमा देंगे दोनों गोल गोल, दोनों तरफ आगे पीछे दोनों तरफ हमें इसकी सिलाई लगा लेनी है इस तरीके से। ये मैं इसमें अस्तर जॉइंट कर रही हूँ। देखिए इस तरीके से हमारी सिलाई ये लग चुकी है। और अब हमें इसमें ये 5 इंच की मैंने पट्टी ली है जॉर्जेट की। मैं इसका नेफा बना रही हूँ। आप चाहो तो डबल कपड़े में भी बना सकते हो। मैं इसको उल्टी तरफ रख रही हूँ और सीधी तरफ फोल्ड कर दूँगी। ये तैयार होने के बाद 2 इंच की पट्टी हो जाएगी। आधा इंच इसका नीचे से दबाव जा रहा और आधा इंच का इसका ऊपर से पलट का दबाव आएगा। तो ये 4 इंच की है पट्टी, 5 इंच की पट्टी है तो डबल होके ये 2 इंच हो जाएगी। इस तरीके से हम इसकी बेल्ट को तैयार कर रहे हैं। आप चाहो तो इसमें इलास्टिक भी लगा सकते हो। इसको अब हम ऊपर की तरफ इस तरीके से फोल्ड करेंगे। देखिए ये इसका नेफा तैयार हो रहा है। अगर आप इसमें इलास्टिक लगाना चाह रहे हो तो इसमें इसी के साथ आप इलास्टिक लगा सकते हो। फ्रेंड्स मैंने बहुत इजी तरीका आपको बताया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और भी नई नई वीडियो मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी। देखिए इस तरीके से ये हमारा नेफा फोल्ड हो चुका है और हमारा प्लाजो तैयार हो चुका है। बहुत ही ईजी तरीका मैंने बताया है और इसमें बिल्कुल भी जोड़ नहीं आया। बहुत से लोग नीचे जोड़ डाल देते हैं। ये मैंने पूरा घेर का बनाया है, फुल घेर वाला। और इसमें इस तरीके से आप कटिंग करोगे तो घेर बिल्कुल भी इसमें जोड़ नहीं आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। एक और नई वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।